मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड क्लास का पार्ट 7 पढ़ेंगे, घमंड चूर होना। उमानपुर राज्य में भूदेव नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत दानी स्वभाव का था। वह प्रतिदिन सैकड़ों गरीब लोगों को रोटी कपड़ा बांटता था। उसके राज्य में कोई भी आदमी भूखा नहीं सोता था और ना ही आज तक उसके दरवाजे से कोई खाली हाथ वापस गया था। उसकी प्रशंसा बहुत दूर दूर तक फैल गई थी। उमानपुर राज्य में कौन सा राजा रहता था? भूदेव नाम का राजा रहता था और वो राज्य करता था। वो राजा कैसा था? बहुत दानी स्वभाव का था और वो प्रतिदिन सभी को रोटी और कपड़ा बांटा करता था। उसके घर पर जो भी कोई आता था उसके राज्य में, वो सभी को कुछ ना कुछ देता था, किसी को खाली हाथ नहीं जाने देता था। राजा अपने राज्य में घूम घूम कर अपनी प्रजा के सुख दुख का भी ध्यान रखता था। एक दिन राजा जंगल से होकर जा रहा था। उसे रास्ते में एक लकड़हारा मिला। वह जंगल से लकड़ियों का गट्ठा लेकर आ रहा था। वह बहुत दुबला पतला था तथा उसके चेहरे पर थकान नजर आ रही थी और बूढ़ा होने के कारण धीरे धीरे चल रहा था। उसे देखकर राजा के मन में दया आ गई। राजा ने सोचा, रोटी के लिए बेचारे को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक दिन जब राजा पूरे राज्य में घूम घूम कर अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखता था, वही देखने के लिए निकला, तब उसने जंगल में एक लकड़हारे को देखा जो कि बहुत बूढ़ा था और दुबला पतला था। वो लकड़ियों का गट्ठर लेकर आ रहा था। तो राजा ने क्या सोचा कि जो ये आदमी है, इसे अपनी रोटी के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और उसे राजा को उस लकड़हारे के ऊपर दया आ गई। राजा अपने घोड़े से उतरकर सहानुभूतिपूर्वक लकड़हारे से बोला, बाबा आप इतना कठिन परिश्रम क्यों करते हो? लकड़हारे ने उत्तर दिया, इस पेट की खातिर मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत नहीं करूंगा तो पेट कैसे भरेगा। राजा अपने घोड़े से उतरकर जब लकड़हारे के पास सहानुभूतिपूर्वक पूछने लगा, तो बाबा आप इतना कठिन परिश्रम क्यों करते हैं, मतलब वो उनसे पूछने लगा, आप इतना परिश्रम क्यों करते हैं? तो लकड़हारे ने जवाब दिया कि मैं अपना पेट भरने के लिए, खाना खाने के लिए इतनी मेहनत करता हूँ। राजा ने सोचकर कहा, हाँ बाबा आप ठीक कर रहे हैं, परंतु सुना है कि राजा भूदेव प्रतिदिन सैकड़ों गरीब लोगों को भोजन कराते हैं, आप भी वहां जाकर भोजन क्यों नहीं खा लेते? वह तो कपड़े भी देते हैं, तब आपको इस उम्र में कठोर परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। यह सुनकर लकड़हारा मुस्कुराकर बोला, आप भी कमाल की बात करते हैं, जो आदमी मेहनत से कमाकर खा सकता है वह राजा की मुफ्त में रोटियां क्यों खाए? यह कहकर लकड़हारा चल दिया। राजा उसकी बात सुनकर सोचने लगा कि कितने अच्छे विचार हैं इस लकड़हारे के। राजा को अपनी समझ पर दया आई। दानी होने का राजा का घमंड चूर चूर हो गया। जब लकड़हारे से राजा ने पूछा, तो लकड़हारे ने कहा, राजा ने कहा कि आपके राज्य में एक भूदेव नाम का जो राजा है, वो सभी को रोटी और कपड़ा देता है गरीब लोगों को, आप वहां जाकर क्यों नहीं खा लेती हैं? तो उसने लकड़हारे ने कहा कि जब मैं खुद कमा कर खा सकता हूँ, तो मैं क्यों मुफ्त में राजा के यहाँ जाकर उनका खाना दूँ? जो राजा थे उनको उस लकड़हारे की सोच समझ में आ गई और उन्हें अपनी जो सोच थी कि वो बहुत दानी है, बहुत दान करते हैं, उस पर उन्हें दया आई और उन्हें उनका जो घमंड था बहुत दानी होने का, दूर दूर तक वो प्रसिद्ध है दानी होने के लिए, वो घमंड चूर चूर हो गया। इस कहानी में आपको जो कुछ भी समझना आए, आप वो हमसे ग्रुप पर पूछ सकते हैं। इस कहानी को आपको एक बार पूरी पढ़नी है और इसके प्रश्नोत्तर जो हैं वो आपको ग्रुप पर दे दिए जाएंगे। थैंक यू।